बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी शाखा और कुछ वहां के नागरिक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि घाटी के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट मिलनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संत शर्मा ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की और उन्हें एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने घाटी के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने गृह मंत्री के सामने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में विश्वास रखने वाले के साथ वार्ता की, केंद्र की पहल की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही एक बार जमकर खिंचाई की, जो कि लोग घाटी में हो रहे उपद्रव को सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। महबूबा ने साफ तौर पर कहा कि घाटी के चंद लोग वहां की शांति को भंग कर रहे हैं। महबूबा ने कहा कि मैं कहती हूं कि 95% कश्मीर के लोग शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं, बातचीत से चाहते हैं, मगर 5% लोग उपद्रव चाहते हैं। बदकिस्मती से जो उपद्रवादी हैं वो हमारे बच्चों की आड़ में फौजी कैंपों पर हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। महबूबा के इस दावे के जवाब में किसी ने साल 2010 की अशांति का जिक्र कर दिया तो वो और भड़क उठी। गुस्से में महबूबा मुफ्ती ने कहा, आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। उस समय लोगों के पास तर्क था कि फर्जी एनकाउंटर में लोग मारे गए, आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं, उसमें 3 आतंकवादी मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पर आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया, बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का जब उसने दमाल हासिमपुरा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया तो वो दूध लेने गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केबिन क्रू के पद के लिए जेट एयरवेज ने उनका आवेदन यह कहकर ठुकरा दिया था कि उनका व्यक्तित्व कुछ ठीक नहीं है। टेलीविजन अभिनेत्री ने नेता बनी स्मृति ईरानी ने मजाकिया अंदाज में आवेदन खारिज करने के लिए जेट एयरवेज का धन्यवाद किया और कहा कि वहां नौकरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने मैकडोनल्ड में नौकरी कर ली और उसके बाद जो हुआ वह सारी बातें इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने यहां एक समारोह में कहा कि मुझे नहीं पता कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि सबसे पहले मैंने कौन सी नौकरी चाही थी। मैंने जेट एयरवेज में केबिन क्रू के लिए आवेदन किया था लेकिन मुझे खारिज कर दिया गया। मुझे बताया गया कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। आवेदन खारिज करने के लिए आपका धन्यवाद। एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह में स्मृति ईरानी ने जेट एयरवेज के एक अधिकारी को पुरस्कार प्रदान करने के बाद यह बात कही। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर दिए गए बयान के ऊपर मानहानि का मुकदमा का सामना कर रहे राहुल गांधी ने फिर ट्वीट कर कहा कि वे अपने बयान पे अड़े हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, घृणा और बंटवारे को लेकर चलाए जा रहे हैं आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मैं अपने हर शब्द पर कायम हूं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अपनी रैली के उस हिस्सा वीडियो भी डाला जो जिसमें उन्होंने यह बयान दिया था कि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने वाला बयान दिया था। राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि संघ के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी थी। इस बयान को लेकर भिवंडी की कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। राहुल गांधी इसी मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बेशक इसमें दो राय नहीं है कि अमीर देश के लोग ज्यादा मेडल लाते हैं, लेकिन रियो ओलंपिक में एक कहानी कुछ हैरान कर देने वाली है। एक रिसर्च में ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। गूगल ने ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका को वर्ष 2015 की तमाम देशों की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन का विश्लेषण किया। इसमें वर्ल्ड बैंक और सीआईए वर्ल्ड फैक्टर बुक के तमाम देशों में अलग अलग रहने की लागत का भी विश्लेषण किया गया। इसके बाद ओलंपिक के दौरान विभिन्न देशों का पदक जीतने में प्रदर्शन आका रहा। इस आधार पर प्रति 100 अरब डॉलर जीडीपी पर इन देशों ने कितने कम या ज्यादा पदक जीते इसको दर्शाया गया।
आपको हैरानी इस बात को लेकर होगी कि इस सूची में सबसे ऊपर छोटा सा कैरेबियाई द्वीप ग्रेनाडो था, जिसकी जीडीपी कुल 1.4 बिलियन डॉलर है। वहीं अमेरिका जो इस पदक तालिका में सबसे ऊपर था वो इस सूची में 60वें स्थान पे रहा। इसमें उन 86 देशों को शामिल किया गया जिनमें कम से कम एक पदक जीता हो। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन महज 2 पदक जीतने वाला भारत इस सूची में अंतिम स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने स्कॉर्पिन पनडुब्बियों से जुड़े दस्तावेज लीक होने का एक नया सेट गुरुवार को जारी किया। नए दस्तावेजों पर भारतीय नौसेना का चिन्ह अंकित है और उन पर रिस्ट्रिक्ट स्कॉर्पिन इंडिया लिखा है। इनमें पनडुब्बियों की सोनार प्रणाली का विवरण है। इस प्रणाली का इस्तेमाल पानी के नीचे खुफिया जानकारी के इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। दस्तावेजों में सोनार प्रणाली की तकनीकी विशिष्टता का विस्तार से उल्लेख है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यह किसी डिग्री और फ्रीक्वेंसी पर कार्य करेगी। इनमें अन्य चीजों के अलावा यह भी बताया गया है कि फायरिंग के लिए लक्ष्य का और हथियार का चुनाव किस तरह किया जाना चाहिए। नए दस्तावेजों पर हालांकि नौसेना ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन सूत्र इस बात पर कायम है कि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। उनका कहना है कि किसी पनडुब्बी के बारे में यही जानकारी कई नौसैनिक रक्षा वेबसाइट पर उपलब्ध है। शीना बोरा मर्डर केस में फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग से कुछ अहम जानकारी मिली है। रिकॉर्डिंग पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल ने की थी। इस जानकारी के सामने आने के बाद शीना के भाई मिखाइल बोरा ने कहा कि फोन कॉल से जो जानकारी सामने आ रही है वो इस केस के लिए महत्वपूर्ण है। मिखाइल ने कहा कि उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले पर ध्यान देगी और सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सीबीआई ने कहा कि जो टेप चैनल पर चलाए जा रहे हैं, जांच के दौरान उन सभी वाक्यों की जांच की गई है। इससे ये साफ होता है कि पीटर मुखर्जी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य है। अदालत को इसके बारे में जानकारी दी गई है। पीटर इंद्राणी और राहुल के बीच फोन से हुई बातचीत में ये जानकारी मिली है कि इंद्राणी और पीटर ने शीना के मर्डर के बाद जानकारी को छिपाकर राहुल को गुमराह करने की कोशिश की। सीबीआई ने फोन से बातचीत के 20 में से 7 नमूनों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट मेगा मार्ट अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ते हुए ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले भारतीय बन गए। इस सोशल मीडिया पे 25 अगस्त तक मोदी के 2.21 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि बिग बी के फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ है। जनवरी में मोदी ने ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया था। शाहरुख फिलहाल ट्वीट पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलोअर किए जाने वाले भारतीय हैं। मोदी 2009 से ट्वीट पर सक्रिय हैं और वेबसाइट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस मामले में पहले स्थान पर हैं। मोदी ने ट्वीट का प्रयोग मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, मन की बात और सेल्फी विद डॉटर अभियानों को लोकप्रिय बनाने तथा नागरिकों से जुड़ने के लिए किया। बिहार में फिर बाढ़ के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ की हालात से अब तक 135 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गंगा अभी भी अपने खतरे के निशान से बाहर बह रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बयान में कहा है कि गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी और अन्य नदियां उफान पर रहने के चलते आई बाढ़ से 12 जिलों में 1,934 गांवों में 31.33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भोजपुर जिले के बाद दूसरी बार आई बाढ़ में वैशाली में 7, समस्तीपुर में 6, सारण में 5, भागलपुर और खगड़िया में 2-2 और बक्सर, लखीसराय व मुंगेर में 1-1 लोगों की मौत हुई है। जिले के 4 जिलों के विभिन्न हिस्सों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें पटना में दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर जिले में भागलपुर हुआ कहलगांव, मुंगेर और बक्सर जिले शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। इस बाढ़ में 28 पशु भी डूब गए हैं। कुल
3.44 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में 433 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 1.74 लाख लोगों ने शरण ली है। प्रभावित को कुल 227 चिकित्सा टीमें सेवाएं मुहैया करा रही है। इसके अलावा पशुओं के लिए 108 शिविर खोले गए हैं। तो फिलहाल खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।